सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की दुहाई देने वाली भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के विपरीत मुरादाबाद का नगर निगम अतिक्रमण अभियान के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़ने में लगा हुआ है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को बसाने और उन्हें रोजगार देने की बात कहते नहीं थक रही और इसके लिए दोनों ही सरकारों ने बहुआयामी योजनाएं भी चला रखी हैं, लेकिन मुरादाबाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने इन सभी योजनाओं और सरकार की नीयत की ओर सवाल ही खड़े कर दिए हैं। मुरादाबाद के हरथला रेलवे स्टेशन के नज़दीक कल नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही से एक परिवार के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक महिला अपनी छोटी सी दुकान बचाने के लिए नगर निगम टीम के सामने किस कदर गिड़गिड़ा रही है और निगम की टीम बेरहम टीम उसकी आंखों के सामने ही उसकी दुकान जेसीबी से ध्वस्त कर चल देती है। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान आसपास की और महिलाएं बचाव के लिए खड़ी भी होती हैं, लेकिन कुछ ही देर में जेसीबी का एक कसा पंजा गरीब परिवार के सपनों को चकनाचूर करता हुआ निकल जाता है। दरअसल कुछ स्थानीय नेताओं ने एक साजिश के तहत इस गरीब परिवार को उजाड़ते हुए मंदिर के नाम पर इस जगह को कब्जाने के मंसूबे पाल रखे हैं और वो इस कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद रहकर अपने अनुसार काम कराते हुए भी कैमरे में कैद हुए हैं। मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने बताया कि ये पिछले कई सालों से छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे, अब ये सड़क पर आ गए हैं। इनके चार बच्चे हैं, अब इनका पेट कैसे भरेंगे ये सोचने वाली बात है, या यूं कहें मुरादाबाद नगर भाजपा की दोनों सरकारों को पलीता लगाने में लगी हुई है। हटाओ तो सभी हटाओ, वो का इसलिए हटा रहा है मंदिर जाके था, वो उसका कहना ही है। ये मंदिर है भैया, नाती रात बनाया गया इसे, ये अभी बनाया गया, नाती रात बनाया गया, कोई मंदिर नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। भैया मंदिर पहले सुन लीजिए, मंदिर है तो आप पहले मकान का नाप करवा लो। सो आपका, मेरा नाम मिराज खान है। अभी जो खोखा तोड़ेगा किसका धोखा है, और मंदिर भी है बराबर में। ये भाई है, गरीब बंदा है, इसके चार बच्चे हैं, खुद काम करता है, बच्चे जिला रहा था ये, और जब ये घर भी नहीं बना था तब से ये रह रहा है, खोखा लगाए हुए था। ये छोटा सा खोखा था इसका, और छोटा सा खोखा ये पाल रहा था। ये बगल वाले हैं, और भी इनके 100 गज का जगह है, इनका नाप में 100 गज है, जबकि इधर रास्ते नहीं है लोगों के, इनके रास्ते इधर से नहीं है, रास्ता उधर से है हर व्यक्ति का, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने हैं इस मोहल्ले में, और इस मोहल्ले में रहने के बाद भी उस रास्ता उधर से है, कब्जा इधर से किया गया। और ये मंदिर उंदिर कुछ नहीं, एक मंदिर पहले से बना हुआ है, शिव मंदिर यहाँ पे देखिए। अगर इसे हटाना है सबको हटाओ, सब तो ये हटना चाहिए तो सभी के लिए इंसाफ बना के, तो मंदिर भी बना हुआ है, कोई मंदिर नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप पूरा 52-51 घर है, ये लड़का जो बैठता है यहाँ पे, ये मंदिर का सेवा भी करता है, पार्क में मंदिर है उसका देखभाल सब कुछ करता है ये लड़का, और सभी लोगों को ये आज तक इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सड़क के। तो कोई नेता वेता है, कोई कोई खुद ही है, ये लोग सब नेता ही को बुला बुला करके ला रहे हैं, और इस गरीब को हटवा दिए, मगर ये मंदिर किस बात का मंदिर है ये तो भैया आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या किसी नेता द्वारा शिकायत की गई थी सर? ये कोई तरीका है, परेशान हटा दिया जाए।